मैं अहमदास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का, जो है आज हम इकाई 9 देखने वाले हैं। इससे पहले वाले जो भी क्लास था उसमें आप जो है इकाई 8 तक पढ़ाई कर चुके हैं। हम जो है इस क्लास में देखेंगे इकाई 9, और ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले वाले क्लास में भी आप इसे रिलेटेड जो है बात किए थे, और इस लेसन में हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे। वैसे प्रकाश का अपवर्तन हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन मतलब होता है हमारा, जैसे कोई हमारा प्रकाश का किरण है, ठीक है। और वैसे अगर हम जो है हवा की बात करें, पानी की बात करें, कांच की बात करें, हवा हो गया है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं किसका भाई, हवा हो गया, पानी हो गया, या कांच की बात करें, ये हमारे सब क्या होते हैं, पारदर्शी क्या होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं, ये आप पारदर्शी वस्तु होते हैं। पारदर्शी मतलब जिनके आर पार क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ होते हैं। और जब ये जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उसे हम लोग प्रकाशी पदार्थ भी बोलते हैं, आप पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो ये पारदर्शी पदार्थ होता है, इस पारदर्शी पदार्थ में से जब, जैसे हवा में से, हवा अर्थात हवा में से अगर क्या होता है, प्रकाश का किरण क्या करता है, अगर पानी के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में उस किरण का कुछ क्या हो जाता है, हमारा दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है, कुछ विचलन हो जाता है, कुछ उसके जो मार्ग में क्या आ जाता है, विचलन आ जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, कांच का क्या है, हमारा गिलास है, गिलास में क्या रखा है, हमारा पानी रखा हुआ है ना, और वो कांच कैसा है, हमारा पारदर्शी कांच है, और पारदर्शी कांच के अंदर क्या रखा गया है, हमारा पानी जो है आपका क्या किया गया है, रखा गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें विरल माध्यम से, विरल मतलब हवा वाला जो माध्यम होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, उसको प्रवाहित करते हैं, तो ये पानी में जैसे ही जाता है, ये अपने स्थिति से थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका विचलित हो जाता है, या अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो ये हमारा जो परिवर्तन जो देखने को मिलता है रियल में, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात प्रकाशी या प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो माध्यम होता है, उस माध्यम में क्या हो जाता है, एक जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उस स्थिति में वो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिवर्तन प्रदर्शित करता है, और रियल में वो परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वन बाय वन करके क्या करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और जो है पढ़ाई करते हैं। वैसे प्रकाश क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं भाई, है ना। प्रकाश ही है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, ठीक है। जैसे सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही प्रकाश का एक मुख्य स्रोत है ना। और वैसे रात के बोलेंगे तो लाइट वाइट भी स्रोत है, लेकिन हमारा मुख्य स्रोत कौन सा होता है, हमारा सूर्य होता है। और हम दिन के समय सूर्य के कारण ही एक दूसरे को क्या करते हैं, देख पाते हैं, चाहे वस्तु हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो है एक दूसरे को देख पाते हैं, या एक से अधिक वस्तु को देख पाते हैं। तो उसी में हमको क्या करना है, अपवर्तन करना है। तो जाहिर सी बात, कहीं जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, उससे अपने मार्ग से क्या हो सकता है, थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है। तो वो परिवर्तन ही आपका रियल में क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं, और परावर्तन कब होता है, जब हम किसी प्रकाश को किसी वस्तु पर डालते हैं और वह उस प्रकाश को क्या कर देता है, वापस भेज देता है, तो वो हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जो आप देख चुके हो। तो इसी टाइप के हम लोग जो है कुछ टॉपिक इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम जो है अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, क्या है कैसा है उसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि आप जानते हैं, देखो आपको क्या बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि समतल दर्पण, समतल दर्पण सिंपल सा जो दर्पण होता है, इस प्रकार से जो घर में जो दर्पण होता है, ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। आपने देखा भी होगा घर में जो होता है ना, सिंपल कांच का, उसको बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब मतलब हमारा जो है चेहरा बोल सकते हैं, उसी को तो प्रतिबिंब बोलेंगे भाई, हमारा छाया बोल सकते हैं, लेकिन दर्पण में सेम टू सेम हम दिखते हैं। जैसे हम किसी दर्पण के सामने क्या होते हैं, खड़ा होते हैं, तो हमारा वहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, दिखता है, हम उसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यदि हम, हमारे पास एक समतल दर्पण है, और उस समतल दर्पण के जो है सामने अगर क्या करते हैं, कोई वस्तु को इस प्रकार से रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा भाई। जाहिर सी बात है, एक तो समतल दर्पण है और उसके
सामने अगर कोई वस्तु रख देते हैं, मान लो जलती हुई क्या रख देते हैं, मोमबत्ती रख देते हैं, तो किसका कितना प्रतिबिंब दिखेगा? एक ही प्रतिबिंब दिखेगा। या आप जो है दर्पण के सामने खड़ा होकर देखिए, आप कितना दिखोगे? एक ही दिखोगे, है ना। अगर एक हमारा समतल दर्पण है और उसके सामने अगर हम क्या करते हैं, खड़ा होते हैं, तो हम केवल कितना दिखेंगे? एक ही दिखेंगे। लेकिन सैलून वलून में जाएंगे तो आपका अगल बगल दाएँ वाएँ सब में क्या होता है, दर्पण लगा रहता है पीछे के तरफ आगे तरफ, है ना, दाएँ बाएँ। तो उस स्थिति में देखेंगे तो हमारा कुछ पोर्सन बाएँ दिखेगा, कुछ पोर्सन दाएँ दिखेगा, कुछ पोर्सन हमारे पीछे दिखेगा, कुछ पोर्सन आगे दिखेगा। लेकिन समतल दर्पण अगर एक हो तो केवल हमारा एक ही प्रतिबिंब, एक ही वहाँ पर चित्र क्या होता है, दिखाई देता है। आपने पिछली कक्षा में कैला कैला डाई, है ना, कैलाई डोस्कोप, है ना, ये बना करके देखा था, पढ़ा होगा। यद्यपि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार से रखे जाएं कि इनके किनारे आपस में मिले रहें, तब इन दर्पणों के बीच एक वस्तु मोमबत्ती रख दें, तो सोचिए इसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यह क्रियाकलाप आप स्वयं और साथियों के साथ करके देखें, बोल रहे हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, अगर हम एक क्या करते हैं, समतल दर्पण लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण हमारे पास है और उसके सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं या किसी वस्तु को रख देते हैं, तो हमारा केवल कितना प्रतिबिंब बनता है, हमारा एक प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब? एक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, दो हम क्या लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं, और उस समतल दर्पण को अगर हम इस प्रकार से क्या कर देते हैं, समकोण स्थिति में क्या कर देते हैं, अगर उसको जो है व्यवस्थित कर देते हैं, या हम ये लिए और ये इस प्रकार से क्या कर देते हैं, उनको व्यवस्थित कर देते हैं, एक समतल दर्पण ही, एक समतल दर्पण ही, तो ऐसे अगर क्या करें, व्यवस्थित कर दें, या इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें, और इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु क्या कर दें, रख दें। देखो, एक हमारा दर्पण ये हो गया हमारा समतल में, और एक समतल दर्पण ये हो गया, तो हम दो क्या लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं, और समतल दर्पण को समकोण बनाते हुए इस तरीका से क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। और व्यवस्थित करने के पश्चात अगर वहाँ पर कोई वस्तु क्या करते हैं, रखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें कितना प्रतिबिंब उस वस्तु का बनता है। तो ये आप करके देखें अपने घर में, जो है इस प्रकार से दो समतल दर्पण लें, उनको समतल स्थिति में, समकोण स्थिति में क्या करें, व्यवस्थित करें, और फिर उन दोनों समकोण व्यवस्थित जो समतल दर्पण हैं उनके बीच में कुछ वस्तु को क्या कर दें, रख दें। फिर आप देखें कि उनमें कितने प्रतिबिंब आपका दिखाई दे रहा है, या कितना प्रतिबिंब बन रहा है, इसको आपको क्या करना है, देखना है। कहाँ पर? अपने घर पर क्रियाकलाप करने के बाद। ये आपके लिए होता है, आप करके देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम दो समकोण जो है स्थिति में, दो अगर हम समतल दर्पण को रख देते हैं और उन दोनों के बीच में अगर क्या करते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, तो वहाँ पर एक इसमें दिखेगा और एक इसमें आपको क्या होगा, दिखाई देगा। मतलब वहाँ पर जो है एक से अधिक, मतलब दो बोल सकते हैं, आपको क्या बनता है, जो है प्रतिबिंब क्या होता है, दिखाई देता है। आप भी करके देख सकते हैं, शायद ज़्यादा बन जाए, तो ये प्रयोग करके देखने लायक है, ठीक है। अब दर्पणों को विभिन्न कोण, जैसे 45 अंश का, 60 अंश का, है ना, उसके बाद आपका क्या होता है, 120 अंश का, 180 अंश पर जोड़ते जाइए। मतलब जो दो दर्पण लिए हैं ना, उसका अलग अलग जो है उसमें एंगल पर जोड़ते जाए, जैसे 45 के एंगल पर उसको जोड़ के देखें, फिर आप जो है थोड़ा 60 के एंगल पर जोड़ के देखें, फिर उसको 120 के एंगल पर जोड़ के देखें, फिर उसको 180 के एंगल पर जोड़ के देखें, और देखें कि उस स्थिति में जो है दर्पण में, उन दोनों समतल दर्पण को जोड़ने पर किन किन स्थिति में, 45 डिग्री के आधार पर, 60 डिग्री के आधार पर, 120 डिग्री के आधार पर, 180 डिग्री के आधार पर अगर हम जोड़ जोड़ के देखेंगे, तो वहाँ पर और उन दोनों के बीच में, फिर जैसे पहले वस्तु को हम रखे थे, अगर ऐसे रखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनमें कितने प्रतिबिंब वस्तु के दिखाई देते हैं, उनको आपको करके क्या करना है, देखना है। प्रत्येक स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को आप नोट करिए, जैसे 60 अंश 45 अंश की स्थिति में दो समतल दर्पण को व्यवस्थित किए, फिर उनके बीच में हमने क्या रख दिया, एक वस्तु को रख दिया, फिर उनमें जो भी प्रतिबिंब बनता है उनको आप नोट करें। ऐसे ही अनेक अलग अलग कोण में हम क्या करते हैं, दो समतल दर्पण को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के पश्चात उनमें उनके बीच में हम कोई वस्तु रखते हैं, और उन वस्तुओं में जो भी उतना जिनका उतना प्रतिबिंब बनता है उसको नोट करते जाते हैं। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़ा कर देते हैं। समांतर मतलब क्या होता है, एक आगे और एक जस्ट उसके सामने, इस प्रकार से क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। अब देखिए मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब आपको जो है कोण के आधार पर क्या करना है, उनको व्यवस्थित करके
वस्तु को वहाँ पर व्यवस्थित करके कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं उसको देखना है, और साथ ही साथ क्या होता है आपका दोनों जो हमारे क्या होते हैं जो समतल दर्पण होते हैं उसको एक दूसरे के सामने रख करके भी वहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं बीच में यहाँ पर, और फिर उनमें जो बनने वाले जो क्या होता है हमारा जो प्रतिबिंब है उनको हमको क्या करना है देखते हैं एक दूसरे से किसी कोण पर, है ना। रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा बहु प्रतिबिंबों का बनना का उपयोग कर भांति भांति कर भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं, और इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में क्या करते हैं डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। जब आप क्या करते हैं दो समतल दर्पण को या दो से अधिक समतल दर्पण को अगर हम व्यवस्थित कर देते हैं तो वहाँ पर वस्तु का एक से अधिक क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अनेक प्रतिबिंब क्या होता है वहाँ पर बनता है, और इस स्थिति में बहुत सारा प्रतिबिंब बन रहा है, और इनका ज़्यादातर उपयोग जो होता है वो वस्त्र उद्योग में क्या किया जाता है इसका उपयोग किया जाता है, और उससे कई प्रकार का डिजाइन बनाया जाता है। तो यदि आप एक से अधिक समतल दर्पण को अलग अलग क्या करते हैं हमारे एंगल पर अगर व्यवस्थित करते हैं समांतर व्यवस्थित करते हैं तो उस स्थिति में कई प्रकार के या एक से अधिक क्या होता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, और वो जो प्रतिबिंब होता है जनरली आपको वस्त्र उद्योग में क्या होता है देखने को मिलता है। आप भी गए होंगे तो वहाँ पर भी दिखता है, कई हमारा फिल्म में भी देखे होंगे कि कई भूल भूल या रहता है जहाँ पर कांच ही कांच रहता है वहाँ पर सभी तरफ हम ही हम दिखते हैं, तो उसमें हमारे को धोखा हो जाता है ना। तो वैसा हम क्या करते हैं बहुत सारे दर्पण को अगर क्या करते हैं या दो से अधिक दर्पण को अगर व्यवस्थित कर देते हैं तो एक ही वस्तु के बहुत सारे क्या होते हैं प्रतिबिंब क्या होते हैं दिखाई देते हैं, है ना। तो ये आप जानते हैं जैसे सलमान खान का एक मूवी आता है जिसमें डबल रोल था, है ना, तो उसमें भी भूल भुलैया जब पहुंच जाते हैं ऐसे घर में जहां पूरा दर्पण ही रहता है तो फिर हमारा ही हर तरफ तस्वीर दिखता है, ठीक है, और फिर हमको जो है पता नहीं चलता है कौन दरवाज़ा है। तो बस वही चीज़ यहां पर क्या किया गया है बताया गया है। तो ये आपको अपने जो है स्कूल में करके देखना है। आप यह भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वह परिवर्तित हो जाती है ना। इसे हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़े हैं कि जैसे हमारा कोई क्या होता है हमारा चमकदार सतह है, और चमकदार सतह में सबसे बेस्ट आता है हमारा दर्पण ही चमकदार सतह की श्रेणी में ज़्यादा आता है। नहीं तो आप और दूसरा भी ले सकते हैं भाई, कोई कांच का खिड़की है उसको ले सकते हैं, या कोई एकदम चिकना वाला जो पॉलिश लगा हुआ सतह है उसको भी ले सकते हैं। तो जनरली जो क्या होता है हमारा जो चिकनी सतह होता है ना चमकदार जो सतह होता है उस सतह पर क्या करता है जब प्रकाश की किरण क्या होता है पड़ता है या प्रकाश पड़ता है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है वो परिवर्तित हो जाता है, मतलब आगे ना बढ़ के वो क्या हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाता है इस प्रकार से वापस आ जाता है, टकराया और ये क्या हो जाता है आपका वापस आ जाता है। जैसे गेंद होता है ना, गेंद को अगर आप दीवार में मारते हो तो क्या होता है गेंद वापस क्या हो जाता है हमारा हमारे पास आ जाता है, या तो इस तरफ मतलब कुल मिला के हमारे तरफ ही आता है, अलग बात है कि हमारे हाथ में ही आए नहीं आए वो अलग चीज़ है, बट लौटता तो हमारे तरफ ही है, है ना। जब गेंद को मारेंगे तो उधर नहीं भागेगा बल्कि क्या होगा इस साइड या तो इस साइड भागेगा। तो वैसे ही क्या होता है हमारा प्रकाश की बात होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गति करता है भैया। प्रकाश क्या करता है आपका सीधी रेखा में गति करता है, कोई भी जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। आप ये जान लें अगर वो इस साइड में जा रहा है मतलब उसी साइड में जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पर बड़ा सा वृक्ष मिल गया, है ना, मान लो प्रकाश इधर जा रहा है और प्रकाश मान लो यहाँ पर एक पेड़ मिल गया तो पेड़ मिल गया तो ऐसा नहीं कि इधर से ऐसे करके डायरेक्शन बदल के चल दे, नहीं होता है ना, क्योंकि प्रकाश हमेशा क्या करता है सीधी रेखा में क्या करता है आपका गति करता है। किस में गति करता है हमारा सीधी रेखा में गति करता है, और इस वजह से क्या करता है सीधा जैसे जैसे जाते जाता है फिर जैसे ही क्या होता है कोई ऐसा वस्तु आता है जिसके वार पार नहीं जा सकता है तो वहीं से क्या हो जाता है वो अपने मार्ग में क्या हो जाता है इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, और फिर इस वस्तु का छाया उसके जस्ट क्या हो जाता है पीछे बन जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के जो किरण होता है जब किसी चमकदार सतह पर क्या होता है हमारा पड़ता है तो चमकदार सतह से पड़ने के पश्चात क्या हो जाता है प्रकाश की किरण वापस क्या हो जाता है आपको आता दिखाई देता है या वापस आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, अर्थात प्रकाश क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है जैसे ये हमारा क्या होता है एक समतल क्या होता है हमारा सतह होता है, ये हमारा समतल सतह होता है, यह या तो हम लोग ये क्या हमारा दर्पण है जो कि हमारा क्या होता है एक चमकदार सतह होता है। अब इस पर क्या करता है कोई प्रकाश क्या होता है प्रकाश की किरण, मान लो प्रकाश की किरण ए बी है वो यहाँ पर क्या कर रहा है पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है हमारा पड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं उसको आपतित किरण, है ना।
जहाँ पर प्रकाश क्या होता है हमारा पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आपतित किरण, आपतित क्या बोलते हैं किरण या आपतित क्या बोलते हैं प्रकाश कहते हैं। तो ये हमारा जैसे दर्पण था, इस दर्पण पर हम प्रकाश को क्या करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश क्या करता है इस दर्पण पर पड़ता है, तो जिस बिंदु पर ये टकराता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये जो हमारा क्या होता है हमारा जो ए बी होता है वो आपतित किरण कहलाता है, और जिस बिंदु पर ये टकराता है, मान लो ये ओ है, वो आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ही टकराता है ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा आपतित किरण हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग जो है परिवर्तित, क्या कहते हैं इसको, किरण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, परिवर्तित किरण। अब हम क्या करते हैं, आपतित किरण जो होता है और परिवर्तित किरण के बीच अगर क्या कर देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं, तो ये जो अभिलंब होता है, इस अभिलंब में तो अभिलंब जो होता है और जो आपतित किरण होता है उनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण कहा जाता है, इसको आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और अभिलंब और जो परिवर्तित किरण होता है इनके बीच जो बनने वाला कोण होता है उसको हम लोग जो है परावर्तन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी किरण है, जैसे हम लोग जो है टॉर्च लेते हैं, तो टॉर्च को जब हम क्या करते हैं दर्पण पर मारते हैं, तो जो टॉर्च से आ रही जो किरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर क्या होता है टॉर्च का जो प्रकाश है वो दर्पण के जिस बिंदु से टकराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन हम लोग बिंदु बोलते हैं। अब जैसे ही टकराता है वो फिर से क्या हो जाता है, उसी मार्ग में दूसरे तरफ क्या हो जाता है, वो जो है चला जाता है। तो दर्पण से टकराने के पश्चात जब वो क्या हो जाता है, उसी दिशा में दूसरी स्थिति में क्या हो जाता है, जब चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच जब अभिलंब खींचते हैं, तो अभिलंब जो खींचे हैं वो और जो आपतित किरण है वो, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, जिसे आई से दर्शाते हैं। और जो अभिलंब होता है ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है ना, उनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और हमेशा जो हमारा क्या होता है, जो आपतन कोण होता है ये हमारा हमेशा जो है परावर्तन कोण के क्या होता है, हमारा बराबर होता है, ये कौन कहता है हमारा परावर्तन का, क्या कहता है आपका, नियम कहता है। तो यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, किस प्रकार से है। तो आप इसे पहले भी एक कार्य कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, साथ ही साथ बोल रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। क्या बोल रहे हैं आपका, आपतित किरण ये हो गया हमारा, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं मतलब ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या होता है हमारा, अभिलंब होता है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब इधर से इस प्रकार से आ ही रहा है, ये इधर क्या कर रहा है, जा ही रहा है, और ये अभिलंब है। तो ये आप देखेंगे ना, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाया जाता है, क्योंकि उधर ही आ रहा है तो एक ही तल में होता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब पानी से गुजरती है तब क्या होता है भाई, जब प्रकाश की किरण पानी से गुजरती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाती है, वो झुक जाती है, जो हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ाई करने वाले हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो है सिंपल से कुछ देखे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है भाई, तो जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से क्या करता है, टकराता है, तो टकराने के पश्चात क्या होता है, वो उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। और जो प्रकाश क्या करता है, किसी दर्पण से टकराता है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु से टकराता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के पश्चात जब वो जो है क्या हो जाता है, जब जिस दिशा में जाता है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, जब परिवर्तित होता है तो उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींचते हैं, है ना, जिसका नाम दे सकते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। उसी प्रकार आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, एक ही तल में क्या होता है आपका, पाया जाता है। तो इतना आपको क्या करना है, याद में रखना है, बताना है अगर क्वेश्चन आ जाता है, और अभी आप सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो उसको आपको क्या करने जाते हैं, जाना है
आपको कॉपी में क्या करते जाना है, लिखते जाना है भाई। तो इस तरीका से यहाँ से क्या किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। शायद इससे पहले क्लास में भी आप इससे रिलेटेड क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। तो इसको आपको क्या करना है भाई, फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है उसको हमको देखना है, किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन वैसे आप पढ़ चुके हो तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ये दो तीन बार हो गया, आप क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपवर्तन के पास। किसके पास चलते हैं हम लोग, अपवर्तन के पास चलते हैं, ठीक है। जो हमारा जो बुक है उसका हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, तो उसके पास हम क्या करते हैं, चलते हैं। प्रकाश तो बता दिए मैं, प्रकाश एक ऐसा एक हो सकते हैं, प्रकाश हुआ होता है जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अपवर्तन देखेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हमको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा जानने के लिए कुछ चीज़ हमको प्रयोग करके देखना पड़ेगा, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे। पारदर्शी पदार्थ, जैसे मैं आपको बताया, पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं भाई, जिनके आर पार देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है, जो आसपास जो भी हमको चीज़ दिखता है ना, वो सब पदार्थ है। हवा नहीं दिखता है, वो भी क्या है, हमारा पदार्थ है, ठीक है। जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। मतलब आसपास पाए जाने वाले वो सभी वस्तु जो क्या करता है, स्थान घेरता है, मतलब जगह घेरता है, और जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान पाया जाता है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, हमारे पदार्थ कहलाते हैं। और पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं भाई, तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, है ना, जिनके आर पार क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा है, है ना, पानी है, कांच है, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, या इनके आर पार देखा जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं, जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण जो होता है इनमें से आसानी से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। ऐसे पारदर्शी पदार्थों को हम प्रकाशी माध्यम के नाम से भी जानते हैं। तो जो पारदर्शी पदार्थ होता है, कोई भी पारदर्शी पदार्थ, जैसे पानी है, कांच है, है ना, या आपका बोल सकते हैं हवा है, ये पारदर्शी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ से है जो हमारा प्रकाश होता है, ये प्रकाश आसानी से क्या होता है, आर पार क्या किया जा सकता है, जा सकता है। जैसे जो कांच होता है उसके आर पार चल देता है, पानी होता है उसके आस पार आर पार चला जाता है, उसके अलावा आपका जो हवा होता है उसके आर पार चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे पानी रखा हुआ है, क्या रखा है हमारे यहाँ पर, पानी रखा है, और जब इसमें क्या किया जाता है, प्रकाश क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो प्रकाश क्या करता है, इस पानी को आर पार क्या कर जाता है, जो है चला जाता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शी या प्रकाशी माध्यम के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाशी माध्यम क्या होते हैं, तो जितने भी पारदर्शी क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ से यदि हम प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो प्रकाश पारदर्शी जो भी माध्यम होते हैं उसके आर पार क्या हो जाते हैं, हमारे चले जाते हैं। तो ऐसे पारदर्शी पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाशी माध्यम कहते हैं, प्रकाशी माध्यम कहा जाता है। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, प्रकाशी जो माध्यम है उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं भाई कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, ये सब क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ होते हैं, और पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश भी क्या कर जाते हैं, आर पार चले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश चले जाते हैं, उनको हम कौन सा माध्यम कहते हैं, प्रकाशी माध्यम भी कहते हैं, प्रकाशी माध्यम कहा जाता है। मतलब पानी प्रकाशी माध्यम है, हवा प्रकाशी माध्यम है, कांच प्रकाशी माध्यम है। क्यों? क्योंकि उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश आसानी से क्या हो जाता है, उसके आर पार चला जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम प्रकाशी माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है, किस प्रकार से है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रकाशी माध्यम, है ना, जैसे कांच, पानी, है ना, या विरल जैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे हवा। तो प्रकाशी माध्यम जैसे सघन वाला में, सघन माध्यम कौन आता है, हमारा कांच आता है, हमारा ये हमारा क्या होता है, कांच होता है। पानी विरल माध्यम होता है, ठीक है, और हवा भी कैसा होता है, हमारा
विरल माध्यम होते हैं। सघन मतलब क्या होता है, जिनमें थोड़ा सघनता होती है, कठोरता होती है वो सकते हैं, और विरल मतलब जिनमें उतना कठोरता पर नहीं पाई जाती है। तो कांच हमारा क्या होता है, विरल माध्यम है, और पानी और हवा क्या है, सरल माध्यम है, और ऐसा देखा जाए तो प्रकाशी माध्यम है ना। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा हम जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि प्रकाश के किरण जब एक प्रकाशी माध्यम से दूसरे प्रकाशी माध्यम में या अन्य माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है, इसको हमको जानना है, है ना। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश एक प्रकाशी माध्यम से दूसरे प्रकाशी माध्यम में जाता है, ये हमारा क्या है, प्रकाशी माध्यम है, प्रकाशी माध्यम है ना। जैसे कांच हमारा क्या है, कांच हमारा क्या है भाई, प्रकाशी माध्यम है। हवा क्या है, प्रकाशी माध्यम है। पानी क्या है हमारा, प्रकाशी माध्यम है। तो आपको ये जानना है कि जब प्रकाश के जो किरण है या जो प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको क्या करना है, जानना है। अब प्रकाशी माध्यम दो प्रकार का हो गया, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो जो कठोरता युक्त चीज़ है, जैसे हम कांच की बात करें, वो सघन हो गया, ठीक है। पानी क्या है, विरल है। हवा क्या है, विरल है। तो ये हम देखते हैं कि जब कांच से टकराने के पश्चात कोई किरण अगर हवा में जाता है, अर्थात एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक प्रकाशी माध्यम से दूसरे प्रकाशी माध्यम में जब क्या करता है, प्रकाश क्या करता है, जाता है, तो उनमें क्या परिवर्तन होता है, वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है बहुत सारा चीज़ क्या किए, यहाँ से पढ़ाई किए। जैसे यहाँ पर हमने एक पढ़ा कि आपका पारदर्शी वस्तु क्या होता है भाई। तो पारदर्शी वस्तु क्या होता है, ऐसा वस्तु जिनके आर पार क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशी वस्तु कहते हैं। ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और पारदर्शी वस्तु के आर पर प्रकाश भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है, तो इसे प्रकाशी माध्यम के नाम से जानते हैं। और जो भी हमारा माध्यम होता है, उस माध्यम से जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या स्थिति होता है, वो हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। किसके द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा। किसके द्वारा भाई, क्रियाकलाप के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए, तो क्रियाकलाप करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमको, कुछ आवश्यक क्या लेना पड़ेगा, सामग्री लेना पड़ेगा भाई। चलिए, तो आवश्यक सामग्री में हम क्या लेंगे, पहला एक क्या लेंगे, पुट्ठा। पुट्ठा आपने देखा होगा कि जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई जूता उता लेते हैं तो उसका क्या होता है, हमारा जो डिब्बा रहता है उससे हम पुट्ठा बना सकते हैं, या ऐसा कोई अन्य चीज़ ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, एक पुट्ठा ले लेते हैं, कांच का गिलास लेते हैं हम लोग, है ना, पानी लेते हैं, पिन ले लेते हैं, आलपिन जिसको बोलते हैं, एक चम्मच लेते हैं, और क्या लेते हैं, दूध ले लेते हैं। और इतना हम लोग ले लिए, क्या के लिए, एक पुट्ठा लिए, कांच का गिलास लिए, पानी लिए, पिन लिए, एक चम्मच लिए, और क्या लिए, दूध लिए, इतना सामग्री ले लिए। अब हम क्या करते हैं, कांच के गिलास को पानी से क्या करते हैं, आधा भर देते हैं। कितना भर देते हैं, आधा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, हमारा कांच का गिलास है, इसमें हम पानी क्या कर दिए, आधा भर दिए। पानी मतलब H2O बोलते हैं इसको, ये हमने पानी क्या कर दिया, आधा भर दिए। अब उसमें एक चम्मच दूध मिला देते हैं, इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, दूध, जिससे उसका कलर क्या हो जाता है, हमारा दूध हो जाता है। मतलब पहले पानी क्या था, पारदर्शी था, लेकिन जैसे ही हम क्या मिलाते हैं, उसमें दूध मिलाते हैं, वो दूधिया हो जाता है, दूध कलर का हो जाता है। ये हमने किया, तो हमने क्या किया, कांच में जो क्या था हमारा, जो कांच लिए थे उसमें हमने आधा जो है यहाँ पर आधा कांच, आधा गिलास जो है पानी ले लिए, और उसमें एक चम्मच क्या मिला दिए, दूध मिला दिए, जिससे हमारा दूध का जो कलर है, पानी का जो कलर है, वो दूधिया हो गया। अब हम क्या लेते हैं, पुट्ठा लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, पुट्ठा है हमारा, पुट्ठा ले लिए, ये क्या है हमारा, पुट्ठा, पुट्ठा ले लिए। अब इस पुट्ठा में हम लोग पिन की सहायता से यहाँ पर क्या करते हैं, छिद्र बना देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा क्या बना दिए, छेद बना दिए। ये हमने क्या कर दिया, उसको छेद बना दिए, किसके सहायता से, पिन की सहायता से। अब किसी प्रकाश के स्रोत को, है ना, प्रकाश को पुट्ठे पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें बने छिद्र से निकलने वाली प्रकाश के किरण गिलास में पानी की सतह से टकराए, और गिलास को ऊपर से देखने पर दुधिया पानी में से गुजरती हुई प्रकाश के किरण दिखाई दी। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इस प्रकार से इस पुट्ठा जिसके बीच में आप क्या किए हो, जो है छेद किए हो, उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि यहाँ से जब इसमें क्या करते हैं, प्रकाश मारें, है ना, या प्रकाश आपतित करें, उस पुट्ठा में प्रकाश करें,
तो उसमें से ये छिद्र से निकलने वाला जो प्रकाश किरण है वो प्रकाश किरण किधर जाए, पहले वो प्रकाश किरण आपका जाए जो है कहाँ पर, ये जो दुधिया हमारा पानी है उस पर जाए, और पानी से जा करके इस प्रकार से क्या हो जाए, वो उसके आर पर निकल जाए, और ये ऊपर से देखने पर हमको क्या हो, दिखाई दो, ऐसे हम क्या करते हैं उनको व्यवस्थित कर देते हैं। प्रकाश की किरण के पथ में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया, तो जब आप प्रकाश की किरण के एक प्रकाशी माध्यम अर्थात हवा से दूसरे प्रकाशी माध्यम अर्थात पानी में जब जाता है तो वह दोनों माध्यमों के जो संपर्क तल है उस तरफ क्या हो जाता है, आपका मुड़ जाता है, मतलब अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, संपर्क की ओर मुड़ जाता है। माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश की इस तरह मुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है भाई कि जब प्रकाश किरण है ना, जब प्रकाश किरण ये हम लोग लेते हैं, जब प्रकाश किरण एक प्रकाशी माध्यम से, ये हमारा क्या होता है, हमारा हवा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमारा कुछ पुट्ठा है, मतलब कौन है, हवा है यहाँ पर, तो जब एक प्रकाशी माध्यम से अर्थात हवा से दूसरे प्रकाशी माध्यम अर्थात पानी की ओर है ना, अर्थात दुधिया जो पानी है में जब प्रकाश क्या करता है, जाता है, तो क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश एक प्रकाशी माध्यम अर्थात हवा से दूसरे प्रकाशी माध्यम अर्थात पानी अर्थात दुधिया पानी में जाता है, तब वह दोनों माध्यमों के जो संपर्क तल है, दोनों माध्यम के जो क्या है, संपर्क तल है, दोनों माध्यम जब यहाँ पर क्या करता है, जुड़ता है, उधर क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है। तो इस प्रकार माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश के इस तरीके से मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है, जिसे हम आगे एक चित्र में देख सकते हैं। ये आपका दिया गया है कि इसमें सबसे पहले क्या लिए, एक गिलास लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, गिलास है, इस गिलास में आधा हम लोग क्या कर देते हैं, पानी क्या करते हैं, भर देते हैं, आधा गिलास क्या करते हैं हम लोग भाई, पानी भरे हैं अभी, जस्ट देखे हैं हम लोग, आधा गिलास क्या भरते हैं हम लोग, पानी भर देते हैं, और ये जो आधा गिलास पानी है उसमें हम लोग एक चम्मच क्या मिला देते हैं, एक चम्मच है ना, हम दूध मिला देते हैं, जिससे उसका कलर कैसा हो जाता है, हमारा दुधिया हो जाता है, कैसा हो जाता है, हमारा दुधिया हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये पुट्ठा है हमारा, ये हमारा क्या होता है भाई, पुट्ठा है ना, ये हमारा पुट्ठा है, इस पुट्ठा में हम बीच में क्या करते हैं, इस प्रकार से एक आलपिन की सहायता से छेद करते हैं, और फिर इस पर ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकाश को इस प्रकार से इस पर आपतित करते हैं कि यहाँ से निकलने वाला जो प्रकाश की किरण है वो किधर से होकर के जाए, आपका ये जो दूध वाला गिलास है ना, उससे होकर के जाए, इस प्रकार से उसको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें से प्रकाश डालते हैं, तो ये जो प्रकाश होता है इन छोटे से छिद्र से क्या होता है, आपका निकलता है, और निकलने के पश्चात ना, निकलने के पश्चात जब गिलास से टकराता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वहाँ पर माध्यम कौन है, हमारा हवा है, यह एक प्रकाशी माध्यम है, क्या माध्यम है, ये प्रकाशी माध्यम है भाई, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक प्रकाशी माध्यम है, क्योंकि हमारा भी प्रकाश किस में जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो जब एक प्रकाशी माध्यम किरण जो है, ये हमारा क्या है, प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, तो जब प्रकाश एक प्रकाशी माध्यम से, ये तो वाला दूसरा प्रकाशी माध्यम है, ये हमारा जो है पानी जो होता है वो क्या है, दूसरा प्रकाशी माध्यम है, तो जब प्रकाश एक प्रकाशी माध्यम से दूसरा प्रकाशी माध्यम में जाता है, तो हमारा जो प्रकाश होता है वो दोनों माध्यम के जो संपर्क तल है उधर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब ये झुक जाता है, बोल सकते हैं क्या हो जाता है, हमारा झुक जाता है, मतलब आपतित किरण, और ये हमारा क्या होता है, परिवर्तित किरण। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक प्रकाशी माध्यम से कोई प्रकाश दूसरे प्रकाशी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दोनों के जो संपर्क तल वाला होता है उस संपर्क तल की ओर क्या हो जाता है, हमारा प्रकाश क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का जो परिवर्तन होता है या मुड़ना जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या करना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना है इसी को कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश के किरण एक प्रकाशी माध्यम अर्थात हवा से दूसरे प्रकाशी माध्यम अर्थात दुधिया पानी में जाता है, तो वह दोनों माध्यमों के जो संपर्क तल होता है उस तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस तरीका से प्रकाश का
इस तरीका से मुड़ना आपका क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से आपका प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या होता है, आपका ख़त्म होता है। तो ये इस आप जो है डायग्राम की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रकाश के जो अपवर्तन है उसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो आपको क्या बोल रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम, ये हवा वाला है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से है ना, या ये जब प्रकाश एक प्रकाशी माध्यम से दूसरा प्रकाशी माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उनके जो संपर्क तल होता है उस तरफ क्या हो जाता है, प्रकाश की किरण मुड़ जाता है। तो इस तरीका से प्रकाश की किरण का जो मुड़ना होता है माध्यम में, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसको आपको क्या करना है, जानना है। देखो ये एक माध्यम से निकल रहा है, फिर दूसरा माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसे दूर भागने के बजाय क्या हो रहा है, वो उधर क्या हो जा रहा है, आपका नीचे की ओर क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, जो है अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आपको अच्छे से बनाना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना है, नोट कर ले रहो, है ना। लास्ट में जो है वो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको, उसी को आंसर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप टू, है ना। क्रियाकलाप टू में हम लोग देखेंगे, हम ले रहे हैं आवश्यक सामग्री। क्या ले रहे हैं हम लोग, आवश्यक सामग्री में क्या क्या लेंगे, हम लेंगे कटोरी, कटोरी आप देखे होंगे, सिक्का लेंगे, एक गिलास लेंगे, और हम क्या लेंगे, पानी लेंगे। तो आपको क्या क्या बोल रहा है, कटोरी लेंगे, सिक्का लेंगे, और एक गिलास ले लेंगे, और साथ में पानी लेंगे। अब आप क्या करें, जो कटोरी है उसमें सिक्का को रख दिए, ये मान लो कटोरी है हमारा, इस कटोरी में हमने क्या कर दिया, सिक्का को रख दिया, ये हमारा क्या है, सिक्का। ये हमने किसको रख दिया भाई, सिक्का को हमने रख दिया। सिक्का तो आपने देखा होगा, है ना, आप जब मिठाई उठाई लेने जाते हैं तो सिक्का आपको मिलता है, तो ये सिक्का हमने रख दिया। अब सिक्का रखने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, कुछ पानी भर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं इसमें, पानी, कुछ कम से कम इतना पानी भर देते हैं। और कुछ दूर हट करके आंखें बंद करके अपने सिर को इतना झुकाइए कि सिक्का कटोरी के किनारे से नीचे देखना बंद हो जाए, यानी अब सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें आप तक ना पहुंच रही हो, क्योंकि बीच में कटोरी की दीवार आ जाती है। और इस स्थिति में अब अपने साथी से कहिए कि वह कटोरी में पानी धीरे धीरे जो है प्रकाश से डालें, और सिक्का अपनी सांस से रखने ना पाए, आप देखेंगे कि जगह से ना हिलें और गर्दन व आँखें को स्थिर रखें। क्या अब सिक्का दिखने लगा, अभी तक तो सिक्का से आने वाली प्रकाश के किरण को कटोरी की दीवार रोक रही थी, परंतु कटोरी में पानी डालने के बाद ऐसा हुआ कि सिक्का आपको दिखने लगा। निसंदेह इसका भी कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। पानी डालने से सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें पानी की सतह से मुड़ जाता है, और मुड़ करके विचलित होकर के आपकी आँखों पर क्या होता है, आपका पड़ता है, और सिक्का आपको क्या करने लगता है, दिखने लगता है। तो उसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है क्या बोल रहा है। देखो दूसरा क्रियाकलाप में पानी पहले से नहीं भरना है ना, अब थोड़ा सा सूखा रखना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक आपके घर में गिलास है या जो भी कटोरी है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। पहले हमने क्या लिया, एक गिलास या कटोरी ले लिया, और उसके निचले सिरे पर हमने क्या कर दिया, सिक्का को डाल दिया। किसको डाल दिया हम लोग, सिक्का को, ठीक है। अब सिक्का को डालने के पश्चात अभी पानी नहीं डाले हैं, खाली हम लोग क्या लिए हैं, गिलास या कटोरी लिए, और गिलास या कटोरी लेने के पश्चात उसके अंदर में हमने सिक्का को रख दिए, और सिक्का को रखने के पश्चात हम यूं ऐसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपको क्या करता है, हम डायरेक्ट इस प्रकार से देखते हैं, सिक्का भी क्या है, कटोरी या कांच की गिलास के अंदर है, बात समझते रहेंगे। हमने क्या लिया, एक कांच का क्या लिया, या कटोरी लिया, गिलास या कटोरी ले लिया, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सिक्का को डाल दिया। किसको डाल दिया भाई, सिक्का को डाल दिया, और उसके पश्चात हम उसको इस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, दिखता है। अब हम क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे करके क्या करते जाते हैं, अपने सिर को हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, और इतना हटा लेते हैं कि सिक्का हमको दिखाई नहीं देता है। पहले हम लोग यूं करके देख रहे थे, है ना, इस प्रकार से डायरेक्टली देख रहे थे, तो सिक्का हमको क्या कर रहा था, दिख रहा था, लेकिन हम लोग आँख को थोड़ा सा ऐसे करके पीछे जाते जाते हम लोग थोड़ा सा दूर आ जाते हैं, है ना, अपना अपने को नहीं, गर्दन को हम लोग दूर ले आते हैं, तो सिक्का दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब क्या करें, आप अपना सिर को, पहले यहाँ थे तो दिख रहा था, अब सिर को थोड़ा सा आप क्या किए, ऊपर किए, तो सिक्का दिखना क्या हो गया, बंद हो गया। अब आप सिर को उतना में ही रखे रहें और उधर ही देखते रहें किधर, सिक्का की ओर, और अपने फ्रेंड से कहिए कि अब जो कटोरी या जो गिलास है
जिसमें सिक्का है उसमें धीरे धीरे करके क्या करें, पानी को उसमें गिराएं जिससे सिक्का हिले नहीं, ऐसे इस प्रकार से। तो अब जो आपका जो फ्रेंड है वो पानी क्या करता है, धीरे 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 उस कटोरी में या गिलास में क्या करते जाता है, भरते जाता है। तो आप देखते हैं कि थोड़ा देर के पश्चात जब पानी भरना स्टार्ट करते हैं तो आपको जो सिक्का, जिस स्थिति में जब उसमें पानी नहीं था तो दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हम पानी क्या करते हैं, हम लोग उसमें भर देते हैं, तो भर देने से क्या होता है, आपको सिक्का दिखाई देता है। और इस प्रकार से वो सिक्का का दिखना हम लोग निसंदेह ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर जब पानी भरते हैं तो पानी भरने से क्या होता है, यहाँ पर जो प्रकाश का किरण होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, हमारा जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसका जो है क्या हो जाता है, आपका प्रकाश का मार्ग थोड़ा विचलित हो जाता है, झुक जाता है, मुड़ जाता है, और इस वजह से पानी भरने के पश्चात आपको पुनः वो सिक्का क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये भी प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीका से हम दो यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्रियाकलाप किया जा सकता है। तो पहले क्रियाकलाप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपके प्रकाश के जो परिवर्तन है उनका परिभाषा क्या होता है, प्राप्त होता है, और वो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हमने बताया कि जब कोई प्रकाश एक प्रकाशी माध्यम से दूसरे प्रकाशी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके जो संपर्क तल में जो भी प्रकाश होता है वो क्या हो जाता है, आपका संपर्क तल की ओर क्या हो जाता है, मुड़ या झुक जाता है। तो इस तरीके से प्रकाश का मुड़ना या झुकना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वो हमने क्या कर लिया, देख लिया, और क्रियाकलाप टू में भी करके देख लिया। अब हम चलते हैं कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, है ना, कांच के जो गुटके हैं उससे प्रकाश का हमको क्या देखना है, अपवर्तन देखना है। तो कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के गुटका आपने देखा होगा एक प्रिज्म होता है हमारा, है ना, स्कूल में ये इस प्रकार से क्या होता है, आपका प्रिज्म होता है जिसे हम कांच का क्या कहते हैं, गुटका कहते हैं। ठीक है, कांच के क्या बोलते हैं भाई उसको, गुटका कहते हैं। ये ऐसा हमारा प्रिज्म होता है, कांच का गुटका होता है, कांच का होता है। तो इनकी सहायता से हम क्रियाकलाप क्या करेंगे, तीन जो है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं या अभी वो पढ़ने वाले हैं। ये भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये क्रियाकलाप हमारा कौन सा है भाई, तीन नंबर का क्रियाकलाप है। तो ये हमने क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं क्या है, कैसा है उसको। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आवश्यक क्या लेते हैं, सामग्री लेते हैं भाई। आवश्यक सामग्री तो आपको लेना पड़ेगा, है ना, बिना आवश्यक सामग्री का प्रैक्टिकल तो कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या लेते हैं, कांच का गुटका लेते हैं, क्या लेते हैं, कांच का गुटका। कांच के गुटका जैसे मैंने आपको बताया, ये इस प्रकार से प्रिज्म आकार का आपके लैब में, है ना, जो 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं ज़्यादा ये वो लोग करते हैं, तो ऐसे आपके लैब जो है स्कूल में मिल जाएगा, कांच का एक गुटका होता है। एक समतल दर्पण भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब हमारा जो घर का दर्पण होता है उसको ले लेते हैं हम लोग, समतल दर्पण। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक कांच का गुटका लिया, कांच का क्या लेते हैं भाई, कांच का गुटका हो गया, कांच का गुटका, गुट का ये हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, समतल दर्पण। समतल ये होता है हमारा दर्पण। तो हमने क्या क्या लिया भाई, एक समतल दर्पण लिया, कांच का गुटका लिया, काला कागज ले लेते हैं हम लोग। काला कागज तो आपने देखा होगा, काले रंग का ब्लैक रंग का कागज होता है। एक सफ़ेद कागज भी लेते हैं, है ना, A4 साइज जो पेपर होता है सफ़ेद का वो ले लेते हैं। ब्लेड और कैंची लेना पड़ेगा, ब्लेड नहीं तो कैंची ले लो, स्केल लेना पड़ेगा मापने के लिए या किसी चीज़ को एक दूसरे से मिलाने के लिए। प्रकार लेना पड़ेगा, प्रकार आपने देखा होगा कि इस प्रकार से है, रबर बैंड आपको लेना पड़ेगा। तो ये कुछ आवश्यक क्या हो गया, हमारा सामग्री हो गया, इतना हम क्या करते हैं ले लेते हैं। और लेने के पश्चात जो भी हमारा स्थिति है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कांच के गुट्टे से प्रकाश का अपवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने कुछ सामग्री ले लिया, आवश्यक सामग्री में कांच का गुटका ले लिया, समतल दर्पण ले लिया, जो है काले रंग का कागज ले लिया, है ना, ये सब चीज़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्या होता है, जो गुटका होता है, इस गुटका को हम क्या करते हैं, जो सफ़ेद कागज है, जो क्या है हमारा सफ़ेद कागज होता है ना, ये हमारा जैसे सफ़ेद क्या है हमारा कागज है, इस कागज पर हम क्या करते हैं, एक जगह इस प्रकार से इसको हम रुक रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सफ़ेद कागज में हमने किसको रख दिया, कांच का जो गुटका होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं या रख दिया जाता है। और रख देने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें जो हम क्या लिए हैं, जो समतल दर्पण लिए हैं, उस समतल दर्पण को पहले हम क्या करते हैं, उसको समतल दर्पण को जो काले कागज होता है उस काले कागज से पूरा हम क्या कर देते हैं, उसको लपेट देते हैं। ठीक है, मतलब उस वाला भाग को लपेटते हैं जिस भाग से क्या होता है हमारा चेहरा दिखाई देता है, उस वाले भाग को हम लोग पूरे
काले जो क्या होता है कागज़ होता है उसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं हम लोग, उसको बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। और ब्लैक करने के पश्चात हम क्या करते हैं उसको ब्लेड की माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्लेड के माध्यम से इस प्रकार से क्या करते हैं काट देते हैं बीच बीच से ऐसा करके, क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं, जैसा आपके बुक में दिया गया है ऐसे हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं इस प्रकार से, क्या करते हैं काट देते हैं। और फिर उसको हम क्या करते हैं सूर्य प्रकाश की ओर इस तरीका से क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं कि यहाँ से पड़ने वाले प्रकाश किरण परिवर्तित होकर के किस में जाए, ये जो हमारा गुटका है उस पर जाए, उस पर क्या करें जाए। तो यहाँ से जो सूर्य प्रकाश पहले किस में आता है हमारा समतल दर्पण में आता है, समतल किस में आता है हमारा दर्पण में आता है, और फिर समतल दर्पण से वो परिवर्तित होकर के किस में जाता है हमारा ये जो कांच के गुटका है वहाँ पर जाता है। और जैसे ही कांच के गुटका पर ये क्या करता है प्रवेश करता है क्या प्रकाश जो है, प्रकाश क्या करता है, ये तो हमारा सूर्य हो गया, ये क्या हो गया हमारा सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश को हम लोग समतल दर्पण पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि समतल दर्पण से जो भी किरण निकलता है, जो भी प्रकाश परिवर्तित होता है वो कहाँ पर जाता है भाई हमारा प्रिज्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है हमारा प्रिज्म पर पड़ता है। और प्रिज्म पर पढ़ने के बाद है ना, तो यहाँ पर जैसे ही प्रिज्म पड़ता है तो प्रिज्म पर क्या होता है पड़ता है और उसके बाद फिर वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से क्या हो जाता है इस प्रकार से वो विचलित हो जाता है और विचलित होकर के इस प्रकार से वो दिखाई देता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिज्म ले रहे हैं उसके बाद एक समतल दर्पण ले रहे हैं और समतल दर्पण को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि सूर्य से आने वाला जो भी किरण है वो क्या करता है समतल दर्पण पर पड़ता है और वहाँ से परिवर्तित होकर के डायरेक्ट वो कांच के कहाँ पर पड़ता है आपका गुटका पर पड़ता है। और प्रकाश जब कांच के गुटका पर पड़ता है तो वो पहले क्या करता है यहाँ पर पड़ने के बजाय अपने मार्ग से इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं इसको बताते हैं, तो विचलित हो जाता है। तो उसको आप क्या करते हैं पेंसिल की मदद से वहाँ पर जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको आपको क्या करते हैं वहाँ पर पिन लगा के, या पहले पिन लगाते हैं तो ये हमारा जैसे आपतित किरण हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस प्रकार से जैसे आपको दिख रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है समतल दर्पण है। अब यहाँ से ए बी क्या है हमारा, ये जो ए और क्या है हमारा बी दिया है ये हमारा कौन सा होता है हमारा आपतित किरण होता है, मतलब जो दर्पण से निकल रही क्या होता है हमारा किरण बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण कहाँ पर टकराता है, जब प्रिज्म से टकराता है। तो ये हमारा प्रिज्म से जहाँ से टकरा रहा है ये हमारा क्या होता है हमारा, ये हमारा जिस बिंदु से टकराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ से जो टकरा रहा है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ही टकराता है ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है विचलित हो जाता है। तो जहाँ टकराता है वहाँ पर आप क्या करो एक आलपिन लेके क्या करो वहाँ पर इस प्रकार से गड़ा दो, और जहाँ से परिवर्तित हो रहा है वहाँ पर भी इस प्रकार से आलपिन लेके क्या कर दो गड़ा दो। और उसके बाद जो है गड़ाने के पश्चात प्रिज्म को क्या कर लो उठा लो, और फिर ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है जिसमें आप दो आलपिन क्या किए हैं गड़ाक रखे हैं उनको आप इस प्रकार से क्या करो स्केल की सहायता से क्या कर दो आप जोड़ दो। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश के किरण क्या कर रहे हैं प्रिज्म पर पड़ता है तो उसको आपतित किरण कहते हैं। तो जब प्रिज्म पड़ता है तो उससे पहले जो हमारा माध्यम होता है वो कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है भाई, विरल माध्यम होता है। क्यों, क्योंकि हवा से किस में जा रहा है वो कांच की गुटका में जा रहा है। तो कांच की गुटका का बाहर का माध्यम कैसा होता है, विरल माध्यम होता है। तो जब विरल माध्यम से क्या करता है हमारा प्रकाश कांच की गुटके अर्थात सघन माध्यम में क्या करता है प्रवेश करता है। ये हमारा कांच के गुटका कैसा होगा हमारा सघन माध्यम में क्या करता है प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने पर क्या होता है हमारा जो परिवर्तित किरण होता है ना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तन जो किरण होता है ये क्या हो जाता है अभिलंब की ओर क्या हो जाता है झुक जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अब जब आपतित किरण और जो आपतन बिंदु है उस पर हम क्या करते हैं एक हमारा क्या करते हैं इस प्रकार से एक अभिलंब क्या कर देते हैं जब खींच देते हैं, जिस अभिलंब को नाम क्या देते हैं M1 और M2। तो यहाँ पर आपतित किरण और जो आपतन बिंदु होता है उनके में उनमें अगर क्या करते हैं एक अभिलंब खींचते हैं तो हम देखते हैं कि जब आपतित किरण
अर्थात सब विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हमारा जो क्या होता है, जो परिवर्तित किरण होता है वो किधर की ओर, अभिलंब की ओर क्या हो जाता है आपका, झुक जाता है। तो इस तरीका से आपको झुका दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पुनः कांच से क्या होता है, हमारा जो प्रकाश होता है पुनः जब विरल माध्यम अर्थात हवा में क्या करता है, फिर से जब क्या करता है प्रवेश करता है, तो फिर ये क्या करता है हमारा, ये जो हमारा विरल देखो पहले क्या था हमारा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया, फिर जब क्या करता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करता है प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में वो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे इसमें एक अभिलंब खींचा गया है हमारा, कौन सा, N1 और N2। तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो किरण होता है वो किरण आपके क्या करता है, आपका जो है अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हमारा जो क्या होता है, जो प्रकाश किरण होता है वो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब जो होता है उनके बीच में बना हुआ जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, या ही हमारा क्या है, आपतन कोण है। और यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, परिवर्तित किरण जो होता है और जो हमारा क्या होता है, जो अभिलंब होता है, उनके बीच में जो बना हुआ कोण होता है वो क्या कहलाता है, हमारा परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो कोण बन रहा है हमारा, फिर से हम लोग जो है ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ पर जो माध्यम से, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः यहाँ हम क्या बोलते हैं, इसको आपतन कोण ही बोलते हैं। और यहाँ से जो निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है निर्गमन किरण बोल सकते हैं। ये जो ई निकल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, निर्गमन किरण। और ये हमारा जो क्या होता है, ये और आई है, ये हमारा क्या होता है, हमारा ये हमारा होता है आपका आपतित किरण। तो यहाँ पर ये जो आई है और ये हमारा क्या होता है, जो आर होता है, इन दोनों का कोण का मान क्या होता है, हमारा एक दूसरे के बराबर होता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि माना यहाँ पर ए बी एक क्या होता है, आपतित किरण होता है, जो आपतन बिंदु ओ पर क्या होता है, आपतित होता है। इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब M1 और क्या करते हैं, M2 खींच देते हैं। तो हमारा जो परिवर्तित किरण होता है, परिवर्तित किरण मतलब O और जो क्या होता है, जो P होता है, वो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है आपका, झुक जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा जो ये जो आपतित किरण अर्थात हमारा ए बी है ना, ये भी जो होता है वो जिस बिंदु पर क्या होता है हमारा आपतित होता है अर्थात आपतन बिंदु होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परिवर्तित किरण और जो अभिलंब होता है उसके बीच जो है परिवर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो पी नंबर है, पी जिस पर हमारा क्या है, एक अभिलंब खींचा गया है N1 और N2, ये हमारा अभिलंब होता है। तो ये जो पी होता है ये यहाँ के लिए क्या होता है, आपतित किरण के जैसा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम करता है वो CD में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये आपतित किरण के जैसा ही व्यवहार करता है, तो ये जो आई होता है और ये जो हमारा आर होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। और ये हमारा जो क्या होता है आपका ई जो होता है वो जो है आपका परिवर्तित किरण होता है, मतलब उसका मान क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ से आपको समझाने का प्रयास बस ये किया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से जब क्या करता है, सघन माध्यम में क्या करता है प्रवेश करता है, तो प्रकाश का जो किरण होता है वो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। और जब सघन माध्यम से क्या करता है आपका विरल माध्यम में पुनः प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से थोड़ा क्या हो जाता है आपका, दूर चला जाता है। यही इस क्या बोलते हैं क्रियाकलाप का क्या है, मेन ध्येय है। और ये प्रकाश के अपवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये आपतित किरण हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है अपवर्तन किरण बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपतित, और ये निर्गमन किरण को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीका से आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। थ्योरी दिया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ दिया है जो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, बताए हैं। तो इस तरीका से इसको पढ़ा जा सकता है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही कुछ दिया गया है, लिखा गया है। तो ये हो गया आपका क्रियाकलाप 3, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और हम क्रियाकलाप अगर 4 देखें तो आप क्रियाकलाप 3 को ऐसे आपतित किरण के साथ दोहराएं जो लंब M1 O M2 की दिशा में हो। क्या परिस्थिति में अपवर्तन के बाद आपतित किरण अपनी दिशा में विचलित हुई है? क्रियाकलाप 3 और 4 के आधार पर आप अपवर्तन की परिभाषा अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपने साथियों से सलाह लेकर व शिक्षक की मदद लेकर अपवर्तन की परिभाषा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो अपने शब्दों में ही लिखना है कि जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशी माध्यम से दूसरे प्रकाशी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा,
या तो हमारा जो विकिरण होता है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, या तो हमारा विकिरण जो होता है या प्रकाश होता है वो अभिलंब से क्या हो जाता है आपका, दूर हो जाता है। तो इस तरीके से प्रकाश का जो परिवर्तन होता है मार्गों से, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यही आपको मेन था, ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपवर्तनांक, किसकी बात करते हैं हम लोग जो है, अपवर्तनांक की क्या करते हैं हम लोग जो है बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाला जो आपतित प्रकाश की किरण कितनी विचलित होगी और किस ओर विचलित होगी, इनका अनुमान हम अपवर्तनांक अर्थात अपवर्तन प्लस अंग से लगाते हैं, अर्थात अपवर्तनांक माध्यम के प्रकाशी घनत्व को व्यक्त करने वाली एक क्या है, संख्या है। तो आपको क्या बोल रहा है, अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है आपका जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कितनी विचलित होगी, किस ओर विचलित होगी, इसका अनुमान हम किससे लगाते हैं, अपवर्तनांक से लगाते हैं, अर्थात अपवर्तनांक के माध्यम या अपवर्तनांक माध्यम प्रकाशी के घनत्व को व्यक्त करता है। जो ज़्यादा घनत्व वाला होगा मान लो झुकेगा, या कम घनत्व वाला होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक की सहायता से हम किसी प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश कितना जो है दूर जाएगा अभिलंब से, या कितना अभिलंब की ओर झुकेगा, इनका हम जानकारी कहाँ से लेते हैं, अपवर्तनांक से लेते हैं। वही चीज़ दिया गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण क्या होता है आपतित होता है तो उसमें कितना विचलन होगा, कितना दूर चलेगा अभिलंब से, या अभिलंब से कितना दूर आए पास आएगा, उनका अनुमान हम किससे लगाते हैं, अपवर्तनांक से लगाते हैं। और कोई भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश का जो निर्वात होता है अर्थात हवा में जो चाल होता है ना उसका, और प्रकाश का उस माध्यम में चाल कितना होता है, उनके भाग देने से हमको क्या हो जाता है, उस प्रकाश का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो ये मान आपको दिया रहेगा, प्रकाश का निर्वात अर्थात हवा में चाल कितना होता है और प्रकाश का उस माध्यम में चाल कितना होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल तो आप जानते हैं लगभग जो है हमारा 3 पॉइंट है ना 0.0×10^4 ना, इसे पहले देखे थे। तो यहाँ पर प्रकाश का चाल को रखना पड़ेगा और फिर प्रकाश का उस माध्यम जिस माध्यम में उसको चला रहे हैं उसको आपको जो है याद रखना पड़ेगा। तो जो माध्यम दिया रहेगा वो और प्रकाश का जो चाल रहेगा वो, उन दोनों को अगर हम भाग दे देंगे तो हमको जो भी हमारा प्रकाश है वो किसी माध्यम में कितना झुकेगा कितना मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने के एक तरीका को हम क्या करते हैं, सीखते हैं क्या है कैसा है।